वेलकम टू इंडेथ फार्मा। दोस्तों, आज मैं आपको, खासकर महिलाओं को, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्लीपिंग पिल के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो इतनी खतरनाक है कि कई देशों ने लीगली इसे बैन किया हुआ है। यह दवा इतनी खतरनाक है कि केवल एक छोटी सी डोज ही इंसान को कई घंटों तक सुलाने या यह कहना चाहिए कि बेहोश करने के लिए काफ़ी है। और इसे सबसे खतरनाक यह बनाता है कि जब इंसान नींद से जागता है तब उसे कुछ भी याद नहीं रहता। यह दवा कई देशों में इतनी प्रचलित है, स्पेशली क्रिमिनल पर्पस के लिए, कि इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कि फॉरगेट मी ड्रग, फॉरगेट पिल, माइंड इरेजर यानी दिमाग से याददाश्त मिटाने वाली दवा, पेंगू, और ऐसे ही कई सारे नाम। हम इस दवा के बारे में पूरी जानकारी लें इससे पहले आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो आपने देखा कि क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग किस तरह इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मिसयूज़ करते हैं, इसलिए आज हम इस दवा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, इस दवा का नाम है रोहिप्नॉल। रोहिप्नॉल एक बेंजोडाइजेपाइन क्लास की दवा है, जिसके गुण वेलियम नाम की एक दूसरी स्लीपिंग टैबलेट के समान होते हैं। लेकिन यह दवा नींद की दूसरी किसी भी गोली से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल कि एक बार खाने के बाद यदि इंसान उठता है तो 2 से लेकर 3 घंटों के बाद उसे फिर से नींद आने लगती है और वो फिर से सो जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस दवा को लेने के बाद आपकी कई घंटों की मेमोरी आपके दिमाग से इरेज हो जाती है, यानी कि आपके कई घंटों की याददाश्त ही चली जाती है। जिन लोगों, स्पेशली लड़कियों के साथ जब इसका मिसयूज़ होता है, तो उन लड़कियों को केवल इतना याद रहता है कि मुझे खाने पीने में या कोई ड्रिंक दी गई थी, इसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और यह दवा भारत में भी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन रोहिप्नॉल के नाम से नहीं, किसी और नाम से, जो यहाँ बताना ठीक नहीं होगा। इसके बाद अब हम इसके बारे में थोड़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, बेंजोडायजेपाइन्स यानी ऐसी दवाएँ जो मस्तिष्क को शिथिल करती हैं, जिनसे नींद आती है, इन दवाओं को मुख्य रूप से एंजाइटी, डिप्रेशन, कन्वल्जन, इंसोम्निया और अलग अलग दिमागी समस्याओं में दिया जाता है। रोहिप्नॉल भी इसी वर्ग की दवा है, लेकिन ये बाकी दवाओं से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। डॉक्टरों द्वारा कई बार इसे सर्जरी या ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोश करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। साथ ही कई डॉक्टर इसे बहुत ही लो डोज में ट्रॉमा से जुड़ी हुई बुरी यादों को दिमाग से मिटाने के लिए भी उपयोग करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे लेने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए यह दवा इतनी खतरनाक और अपराधियों की पहली पसंद बनी हुई है। दरअसल जब यह दवा शरीर में जाती है, तब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को ड्रामेटिकली स्लो कर देती है, यानी जैसे ही कोई इसे लेता है, कुछ ही मिनटों के बाद वो पूरी तरह शिथिल हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, शरीर की ताकत और प्रतिरोध करने की क्षमता खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। फाइनली पर्सन या तो गहरी नींद में चला जाता है या बेहोश ही हो जाता है। लेकिन जब कुछ घंटों के बाद वो पर्सन होश में आता है, तो थोड़ी देर बाद फिर से नींद आने लगती है और उसके दिमाग से पिछले कई घंटों की मेमोरी यानी कि याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी होती है। और अब सवाल ये उठता है कि जब यह दवा इतनी खतरनाक है और क्रिमिनल पर्पस के लिए उपयोग की जाती है, तो डॉक्टर आखिर इसे यूज़ ही क्यों करते हैं? देखिए, वैसे तो जहर, चाहे वह सांप का ही क्यों ना हो, जहर भी खतरनाक होता है, लेकिन कई स्थितियों में जहर भी दवा का काम करता है।
इसी तरह रोहिप्नॉल भी एक तरह से जहर ही है आपके और मेरे जैसे सामान्य लोगों के लिए। लेकिन वो लोग जिन्हें सीवियर इंसोम्निया है, जिन्हें दवाइयाँ लेने के बाद भी नींद नहीं आती, वो लोग जिन्हें सीवियर एन्जाइटी है, इसके अलावा वो लोग जो दूसरी दवाओं के लिए एलर्जिक है, ऐसे में रोहिप्नॉल उनकी काफ़ी सहायता कर सकती है और करती भी है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि जब रोहिप्नॉल शरीर में जाती है तब व्यक्ति कैसा महसूस करता है। देखिए, जब ये शरीर में जाती है तब चलना, यहाँ तक कि बोलना भी कठिन हो जाता है। जो लोग इसे नशे के लिए उपयोग करते हैं, इससे उनका सोशल इनहिबिशन खत्म हो जाता है और एन्जाइटी बहुत ही कम या पूरी तरह खत्म ही हो जाती है। इसके अलावा शरीर शिथिल हो जाता है, मांसपेशियाँ पूरी तरह रिलैक्स हो जाती हैं और हमारा रिएक्शन टाइम भी स्लो हो जाता है। इसके अलावा जजमेंट इम्पेयर हो जाता है, यानी कि व्यक्ति अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता। इनके अलावा कन्फ्यूज़न, बहुत तेज़ नींद आना, हार्ट रेट और ब्रीदिंग का स्लो होना और बेहोशी भी, यही सब व्यक्ति को तब महसूस होता है जब रोहिप्नॉल उसके शरीर में जा चुकी होती है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि दूसरे बेंजोडाइज़ेपाइन की तरह भी इस दवा की भी लत लग सकती है। अब बात करते हैं इसकी उपलब्धता, प्राइस और बाकी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह दवा भारत में उपलब्ध है, लेकिन किसी दूसरे नाम से, जो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक तो यह प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और दूसरा इसका दुरुपयोग होने की बहुत अधिक संभावना होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि यह दवा डॉक्टरों के हाथ में नहीं है तो 90% लोग इसका दुरुपयोग ही करते हैं, चाहे खुद के साथ या दूसरों के साथ। और अब यदि प्राइस की बात की जाए तो एक सस्ती दवा है, आपको लगभग ये 200 रुपये के अंदर मिल जाएगी। और एक बात और, ज़्यादातर इसका उपयोग नशे के लिए करते हैं और रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 10 दिनों के अंदर 2 या 3 बार इसका उपयोग कर लेता है तो उसे इस दवा की लत लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद जब व्यक्ति पर से इस दवा का प्रभाव खत्म होता है तो उसे सिरदर्द हो सकता है, मांसपेशियों में बुरी तरह दर्द हो सकता है, भ्रम हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति ओवरडोज करता है तो वो कोमा में जा सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ऐसे लोग, खासकर महिलाएं, जिन्हें बार पार्टी या रेप पार्टियां पसंद होती हैं, वो ऐसी चीज़ों से बहुत ही सावधान रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि आमतौर पर इन पार्टियों में शराब भी पी जाती है और शराबी औरतों या लड़कियों के पैग में लोग इसे मिला देते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि शराब के साथ इसके सेडेशन का असर ट्रिपल हो जाता है और इंसान की सांस या दिल की धड़कन ही रुक जाती है। और मान लीजिए कि इतने भयानक असर नहीं भी होते हैं तो बेहोशी तो आएगी ही और याददाश्त भी मिट जाएगी। इसीलिए हम सभी को इसी दवाओं से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।